हे दा लुईज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हैप्पी 12/12 पोर्टल टू एवरी वन ऑफ यू। विद दैट, हैप्पी 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 न्यू मून डे। चेक करेंगे आज आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है, उनके इमोशंस, उनके अंदर का प्यार क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आप लोगों के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और क्या अब उनके एक्शंस होने वाले हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल रीडिंग। और कैंडल वैक्स रीडिंग में ना बहुत सारे इंडिकेशंस मिलते हैं, बहुत सारे साइंस एंड सिग्नल्स मिलते हैं। लेट्स सी कि डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। वेल, अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं देन वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। अपना प्यार, अपना सपोर्ट ज़रूर यहाँ पर बनाए रखें। और चेक करते हैं क्या है आज आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज। अच्छी मेमोरीज के बारे में सोचेंगे, राइट? थिंक अबाउट द ब्यूटिफुल मेमोरीज दैट यू गाइज हैव स्पेंड रादर देन थिंकिंग अबाउट द फाइटिंग एंड ऑल। उसके बाद हम आज स्पेशल मैसेजेस थ्रू स्पेशल डेक से निकालेंगे और देखेंगे कि डिवाइन आपको अभी इस वक्त इस रिलेशनशिप के लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ 12/12 पोर्टल विद दैट न्यू मून डे। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। एक रिक्वेस्ट आप सब लोग से करूँगी गाइस, फॉर द कॉन्स्टेंट सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द वीडियोज़ में जो आप लोग प्यार देते हो, राइट? थैंक यू सो मच फॉर एवरी थिंग। बढ़ते हैं न्यू रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं डिवाइन का गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज़ अ रिलेशनशिप रीडिंग, सो थॉट ऑफ यू नो, चलिए कुछ स्पेशल देखते हैं और देखते हैं कि आज वो आपसे इस रिलेशनशिप के बारे में क्या एक संकेत, क्या एक मैसेज बताना चाहते हैं। चलिए बढ़े रीडिंग्स के लिए। आराम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्लेम ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ अपना प्यार भी ज़रूर दीजिएगा। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि व्यूवर के पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज इस वक्त। आज है स्पेशल न्यू मून डे, विद दैट है स्पेशल 12/12 पोर्टल जो दिखाएगा इंडिकेशन और संकेत मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि दिस पर्सन, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर ना ग्रो हुई है, एक अट्रैक्शन ये पर्सन फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन ये पर्सन आज भी आपको लेकर फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं, लेकिन ये डर रहे हैं, एक्सप्रेसिव होने से डर रहे हैं। और कुछ लोगों के जोन में ऐसा भी हुआ है कि बोलना कुछ और चाह रहे थे बट उस चीज़ का यू नो जो मीनिंग निकला था वो बहुत डिफरेंट निकला था, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी हैं या जिसकी वजह से आई फील कि फाइट हुई है। बिल्कुल हुई है, ऐसा हो सकता है कि पार्टनर ने सोचा चलो यार बात कर लेते हैं, कन्फ्रंट कर लेते हैं, लेकिन वहीं डीप डाउन लगा कि पार्टनर ने तो अलग सेंस में ले लिया और उसकी वजह से फाइटिंग हो गई, उसकी वजह से लड़ाई हो गई। आई कैन सी दैट ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप लोग कितना भी लड़ लो ना, कितना भी झगड़ लो, आप लोग फिर साथ आ जाते हो। यू नो, एक एक बॉन्ड होता है ना, सोलमेट्स वाला, ट्विन फ्लेम वाला। आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज सो इन टू यू। अगर उनका नाम ए से शुरू है तो ये बहुत स्पेशल मैसेज है, बिल्कुल ए से शुरू है। अगर ये ओ से शुरू है उनका नाम तो ये बहुत स्पेशल है। मतलब आप कितना भी दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप कितना भी दोनों पीछे हो जाते हो, कम्युनिकेशन कम कर देते हो, कम्युनिकेशन ज़ीरो कर देते हो, मुझे लग रहा है कि वहाँ से फिर से वो एक चीज़ या एक अफेक्शन, एक केयर स्टार्ट होने लग जाती है। आज 12/12 पोर्टल पे ऐसा लग रहा है कि दे आर फीलिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं ये आपके प्रति। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यू नो फीलिंग है, बट जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ पर ये पीछे हैं, एंक्शियस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, चीज़ें सोची जो नहीं थी वो हुई हैं, अब उसको ठीक करने की जिम्मेदारी तो मेरी है लेकिन मैं करूँ कैसे। उस पिक्चर में ना ये बैठ जाते हैं, उस पिक्चर में ये बस रुक जाते हैं, जिसकी वजह से द रिलेशनशिप गेट्स हैम्पर्ड अ लॉट। एंड ये भी समझ में आ रहा है कि लास्ट 7-8 डेज का जो समय गया है, थोड़ी फाइटिंग ज्यादा हुई है, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन ज्यादा बड़ा है आप लोगों के बीच में, बिल्कुल बड़ा है।
लेकिन पता है सबसे प्यारी बात यह है कि होप नहीं खोते हैं। कितना भी डिस्टेंस बढ़ जाए, कितना भी सेपरेशन हो जाए, कितना भी यू नो हम अलग हो जाए, देर इज़ ऑलवेज अ सेंस, देर इज़ ऑलवेज अ होप, देर इज़ ऑलवेज अ मिरेकल जो आपकी रिलेशनशिप को स्टेबल करता है, ठीक करता है। यू नो एक वो पूरी स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर फील होते हुए दिखाई दे रही है। यू हैव अ वेरी स्ट्रांग कनेक्शन विद दिस पर्सन, वेरी स्ट्रांग कनेक्शन। यू यू गाइज रियली डोंट वॉन्ट टू यू नो लिव सेपरेट। कितना भी दूर कर लो, किसी न किसी बहाने से दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। यही तो आपके रिलेशनशिप बॉन्ड को स्ट्रांग करता है। और हम इस चीज़ को पता है नो कॉन्टैक्ट समझ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग के साथ होता है नो कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, लेकिन डीप डाउन ऐसा लगता है माई डियर कि दिस पर्सन इज़ रियली इन टू यू, रियली। अगर उनका नाम यू से स्टार्ट है, एल से स्टार्ट है, राइट, आई कैन सी देर इज़ अ पॉजिटिविटी, देर इज़ अ पॉजिटिविटी इन दिस रिलेशनशिप। एंड नहीं है, 12th पोर्टल पे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। दे विल रिजॉल्व दिस। उनका नाम एम से भी स्टार्ट हो सकता है, वी से भी स्टार्ट हो सकता है, एन से भी स्टार्ट हो सकता है। दे विल फॉर श्योर रिजॉल्व दिस, देख लेना आप, ये चीज रिजॉल्व होगी। डू नॉट स्टॉप द कम्युनिकेशन गाइज, डू नॉट स्टॉप द कम्युनिकेशन। I can see a very beautiful heart and I can see the number 8, the number of abundance. That is, this love is all about emotions, care, attention. एक यू नो आप लोग का एक ऐसा स्टेबल रिलेशनशिप है जो पता है कितना भी अलग हो जाए, दूर हो जाए, फिर से आप लोग इकट्ठे हो जाते हो, फिर से आप लोग एक हो जाते हो। जितने लोग सेपरेट करने का भी सोचते हैं, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या यू नो कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, चिंता मत करो। जस्ट सेलिब्रेट द एनर्जीज, रिस्क लो और आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि इट इज़ द एंड और थिंग्स वोंट बी स्टेबल। रिस्क लो, टेक द एक्शंस, मेक इट पॉजिटिव, मेक इट स्टेबल। ये मत सोचो कि एंड है, ये मत सोचो कि ख़त्म है, ये मत सोचो कि बेटर नहीं हो सकता। डू नॉट फील दैट ब्लॉकेजेस ने हमारे रिलेशनशिप को हैम्पर करा है, या ब्लॉकेजेस बहुत बढ़ गए हैं, या ब्लॉकेजेस बढ़ बढ़ के चीज़ें अनस्टेबल हो गई हैं, या लोगों ने बहुत गलत करने की कोशिश करी है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स बोथ ऑफ यू हु इज़ मेकिंग इट मोर परफेक्ट, राइट। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनके आने से ख़राब हो गया, इसके आने से ख़राब हो गया, उनके आने से अनस्टेबल हो गया। नो, ऐसा मत सोचो, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि प्योरिटी है यहाँ पर, स्टेबिलिटी है। पर्सन इज़ नॉट एट ऑल चीटिंग, ये पर्सन चीट नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त दैट दे रियली वांट टू कनेक्ट, कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इमोशनल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। विच आई कैन जेन्युइनली सी थ्रू द कार्ड एनर्जीज। सेलिब्रेट करो माई डियर इस एनर्जी को, इसमें आपको अपना ईगो नहीं लाना है, इसमें आपको अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है। मे बी पीपल माइट बी ट्राइंग टू यू नो मेक इट नेगेटिव, और वहाँ के लोग या आपके आस पास के लोग, मे बी योर फ्रेंड्स, योर म्यूचुअल फ्रेंड्स। डू नॉट एक्सप्लोर इट, अपने रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर मत करो। जितना प्राइवेट रख सकते हो अपना रखो, उतना ये ग्रो करेगा। क्योंकि ये पर्सन जिसको आप डील कर रहे हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं आपके प्रति, और आने वाले टाइम में इनकी तरफ से किसी प्रकार का डिसीजन आ सकता है, किसी प्रकार का कमबैक आ सकता है, किसी प्रकार का यू नो पॉजिटिव इनिशिएटिव आ सकता है। आई कैन सी
दैट ये लव अबंडेंस है, ये लव अफेक्शन इतना इतना ब्यूटिफुली आगे बढ़ेगा, इतना ब्यूटिफुली चीज़ों को डील करेगा कि आपको खुद अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी मिलेगी, ये आप देख लीजिएगा. बट डू नॉट फील दैट यू नो ब्लॉकेजेस ने हमारा ये ख़राब कर दिया है या ब्लॉकेजेस ने चीज़ें हैम्पर कर दी है, ये मत सोचो आप, क्योंकि कितनी भी चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं, दूर हो जाती है, एट द एंड ऑफ द डे आप लोग फिर एक हो जाते हो. एट द एंड ऑफ द डे यू गाइज आर स्टिल टुगेदर, यू गाइज आर कम्युनिकेटिंग, यू आर मेकिंग इट यू नो मोर फेवरेबल. Pray to the angels. 100% pray to the angels. They are listening. They are listening. 12-12 portal is very special. साल का आखिरी portal है जो एक नहीं हजारों miracles को लेकर आने वाला है. I'm damn sure आप बहुत strong energy feel करोगे in terms of love relationship. ये भी आप देख लीजिएगा. और कहीं ना कहीं से बहुत ही अच्छी help आते हुए दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी हेल्प आते हुए दिखाई दे रही है. नेचर, नेचर का कनेक्शन, नेचर की चीज़ें बहुत दिख रही है, यहाँ 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 यहाँ, मतलब डिवाइन इज़ देयर फॉर यू. कहीं ना कहीं से किसी न किसी वे से नेचर की हेल्प हो सकती है, कहीं ना कहीं से हो सकती है. आप में से ऐसा लग रहा है कुछ लोग के रिलेशनशिप इसलिए भी जुड़े हैं, या तो आपके पार्टनर के पास एक ऐसी चीज़ है जिससे आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. मे बी वो कोई पेट हो सकता है, मे बी कोई पेट हो सकता है जिससे कि आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, जो आप दोनों को एक करता है, जो आप दोनों को फिर से साथ ले आता है. आई कैन सी दैट. मुझे एक ना ऐसा क्रिएचर दिखा है यहाँ पर, इसलिए मेरे सामने बात आई है कि या तो कोई पेट है घर में जिससे आप दोनों बहुत कनेक्टेड हो, राइट, जिसकी वजह से भी आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा यू नो बड़ा है, आगे गया है. वो कोई नहीं है, वो एक यूनिवर्स का ज़रिया है आप दोनों को जोड़ने का. एंड आई कैन सेंस दैट, आई कैन सीरियसली सी दैट ओवर हियर कि आई फील कि ये चीज़ जेन्युइन है. ट्रस्ट मी, दिस 12-12 पोर्टल इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, राइट. मे बी पॉसिबल आप बहुत इमोशनल हो गए, डाउन हो गए, हैवी फील कर रहे हो गए, बट ट्रस्ट मी दिस पर्सन जिसको आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ आप फ्यूचर देख रहे हैं, ये बहुत ही जेन्युइन पर्सन है और ये कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर डिज़ायर करते हैं. वो आने वाले टाइम में आपके सामने खुद एक यू नो पिक्चर आएगी, आपको खुद एक पॉजिटिव एनर्जी सेंस होगी उनकी तरफ से, क्योंकि दे विल रिस्पॉन्ड इन दिस रिलेशनशिप. अब भले वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, बट दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड. सो डू नॉट इग्नोर दिस वन. ओके, डू नॉट इग्नोर दिस वन. इन्जॉय करिए इस एनर्जी को, फील करिए इस एनर्जी को. बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई कैन सी दैट यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव कम बैक, पॉजिटिव रीयूनियन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कनेक्शन इन दिस रिलेशनशिप. क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपका पार्टनर आज फील कर रहा है आपके प्रति. हेट्रेट नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, राइट. बस थोड़ा आप ना हैवी फील करोगे. कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि या तो इमोशनली बहुत ड्रेन हो रहे हैं, या तो इमोशनली थोड़ा यू नो बैगेज फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, राइट. बट विद टाइम आई कैन सी कि इट इज़ गोइंग टू बी स्टेबल. ओके, सो मैं रख देती हूँ और स्पेशल मैसेजेस निकाल लेते हैं, स्पेशल कार्ड्स निकाल लेते हैं. लेट्स सी कि डिवाइन आपके इस रिलेशनशिप के लिए आपको क्या एक मैसेज और संकेत दे रहे हैं. देखते हैं कि डिवाइन का आपके रिलेशनशिप के लिए क्या एक मैसेज है. बहुत ही ब्यूटिफुल डेक है. एंड वन वर्ड मैसेज हमें पता चलते हैं, जो कि बताते हैं कि यू नो आने वाला टाइम आपका कैसा है. चलिए चेक करते हैं. कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो मन में रख सकते हैं, क्योंकि दीज कार्ड्स आर वेरी स्पेशल क्लोज टू माई हार्ट, जो आपको वन वर्ड के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस देंगे. चलिए डिवाइन गाइड करें ये 12-12 पोर्टल मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए कैसा होने वाला है. क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को? 12-12 पोर्टल का क्या एक मैसेज, 12-12 पोर्टल का क्या एक मैसेज, 12-12 पोर्टल का क्या एक मैसेज डिवाइन? ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है फर्स्ट मैसेज से दैट यू आर वेरी डिससैटिस्फाइड विद योर लाइफ. आप लाइफ से बहुत ही ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हो, आप लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, आप लाइफ से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, राइट.
चीज़ों में जो एक हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है, वो कहीं ना कहीं आप नहीं फील कर पा रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हो रही हैं, चीज़ों में मुझे अच्छा बदलाव नहीं दिख रहा है, चीज़ों में मुझे पॉजिटिव चेंज नहीं दिख रहे हैं, चीज़ों में मुझे खुशी नहीं दिख रही है जो खुशी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपको फील करनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है। कितना प्यारा मैसेज है, ये सब एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है, ये कोई एंड नहीं है, ये कोई एंड डिसीजन नहीं है। तो आप इसको इतना ज़्यादा ओवर मत सोचिए, या इसको इतना ज़्यादा यू नो नेगेटिव वे में मत लेकर जाइए। प्रे करिए डिवाइन से कि आप घर में ज़रूर कैंडल बर्न करें, एंड डेफिनेटली आपको बहुत सारे वेज मिलने वाले हैं आगे, बहुत सारे चेंजेस दिखने वाले हैं आगे, बहुत सारे बदलाव दिखने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में देखेंगे पर दिखेंगे ज़रूर। कोशिश ज़रूर करें घर में, ज़रूर आज एक रेड कलर की कैंडल या पिंक कलर की कैंडल बर्न करें, पूरी बर्न करें, और कैंडल को देखते हुए अपने रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, लाइक थैंक यू यूनिवर्स, हम दोनों साथ हैं, हम दोनों टुगेदर हैं, हम लोग का रिलेशन स्ट्रांग है। क्योंकि अब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट आनी चाहिए जो एक एक्साइटमेंट रिलेशनशिप में होती है। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन यू नो आपको कहीं ना कहीं अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है, फ्यूचर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको स्टेबिलिटी दिखे, जिससे आपको बदलाव दिखे, जिससे आपको यू नो प्रॉपर चेंजेस दिखे, तभी आपको चीज़ों में बदलाव दिखेगा। अदरवाइज़ एट द एंड ऑफ द डे आप ऐसे ही बैठे रह जाओगे। कैंडल वाली चीज़ अगर आज यहाँ हाईलाइटेड हुई है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी इतना डिससैटिस्फाइड फील मत करो, ये मत सोचो कि चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती या स्टेबल नहीं हो सकती। टाइम के साथ सब कुछ स्टेबल होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, भले धीरे धीरे होगा, बट आई एम डैम श्योर दैट यू विल सी द चेंजेस। मिलते हैं 8 बजे आज नए मेडिटेशन के साथ, और ये मेडिटेशन उन लोगों के लिए, मैं सबके लिए पोस्ट करूँगी, सो आप लोग उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। और अगर नहीं आप टेक्निक्स कर पा रहे, रिचुअल्स कर पा रहे, तो आप सिर्फ मेडिटेशन को सुन सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी 12/12 पोर्टल, हैप्पी न्यू मंडे, अपना ख्याल रखिएगा, खुद से बहुत प्यार करिएगा। राधे राधे।